आप सभी को दास की प्यार भरी नमस्कार और धन्यवाद। कई महात्माओं को कहते सुना है कि शेरनी का दूध केवल सोने के पात्र में टिकता है। आप चाहे लोहे का पात्र बनवा लो, कांसे का, तांबे का, पीतल का पात्र बनवा लो और उसमें दूध डाल दो तो वो नहीं टिकता। मतलब किसी भी अन्य धातु के पात्र में शेरनी का दूध नहीं टिकता, वो डालते ही फट जाता है, केवल सोने के पात्र में। और ये ब्रह्म ज्ञान भी ऐसा ही है जो केवल और केवल उसी शरीर रूपी बर्तन में टिकता है, उसी आत्मा रूपी बर्तन में टिकता है जो निरंतर सत्संग सेवा सुमरण करता है और पांच प्राणों का अक्षरशः पालन करता है। इसके अतिरिक्त किसी के शरीर में, किसी की आत्मा में, किसी के मन में ये ज्ञान टिकता नहीं है। आपने देखा होगा कि कई ऐसे व्यक्ति सत्संग में आकर के इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं जो इसके योग्य नहीं होते, जो इसकी कदर नहीं करते, और यही कारण है कि वो इसका लाभ नहीं उठा पाते क्योंकि उन्हें इसकी कीमत ही पता नहीं होती। और इसी कारण, क्योंकि उन्हें कीमत पता नहीं होती, तो वो इसकी कदर नहीं करते हैं। एक बार एक साधारण सा व्यक्ति एक गांव में रहता था, उसके पास एक गधा था। एक दिन वो अपने गधे को लेकर के रास्ते में जा रहा था कि धूल में पड़ा हुआ उसे एक लाल दिखाई दिया। उत्सुकतावश उसने उसे उठाया, लाल में सुराग था, उसने धागा लिया और उस धागे को लाल में पिरो दिया। फिर उसने उस धागे की माला सी बना करके अपने गधे के गले में डाल दी। उसी मार्ग पर थोड़ी दूरी पर एक जोहरी खड़ा था। उसने उस व्यक्ति को गधे के साथ जब आते हुए देखा और उस गधे के गले में पड़े हुए लाल को देखा तो वो समझ गया कि इस व्यक्ति को इस लाल की कीमत पता नहीं है, तभी तो इसने इसे गधे के गले में डाल रखा है। उसने मन में विचार किया कि यदि मैं इस लाल को खरीदने के लिए इसे कहूंगा तो ये इसकी कीमत को समझ जाएगा। उसने प्लान बनाया और वो व्यक्ति जैसे ही उसके पास आया उसने कहा, गधे को बेचोगे? व्यक्ति ने कहा, नहीं, मुझे गधा नहीं बेचना। जोरी ने कहा, भैया मुझे इस गधे की बहुत जरूरत है, तुम ये गधा मुझे दे दो, तुम जो कीमत बोलोगे मैं तुम्हें दे दूंगा। अब उस व्यक्ति ने कहा, नहीं, मैं तो किसी भी कीमत पर यह गधा नहीं बेचूंगा, और वो अपने गधे को लेकर के आगे जाने लगा। पीछे से जोहरी ने आवाज लगाई, 60,000 लोगे? जोहरी के मुख से निकली कीमत को सुनकर के उस व्यक्ति को तो यकीन ही नहीं हुआ। पलट करके देखा, उसने कहा, क्या कहा तुमने, 60,000? जोहरी ने कहा, हाँ 60,000 दूंगा, क्योंकि मुझे गधे की बहुत अधिक आवश्यकता है। अब उस व्यक्ति को गधे की कीमत इतनी अधिक मिलती देख करके आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि क्यों ना बेच दूं। उसे पता ही नहीं था कि वो जोहरी उस गधे की कीमत नहीं लगा रहा था, बल्कि वो लाल उससे लेना चाहता था। उस व्यक्ति ने वो गधा बेच दिया और खुश होता हुआ वहां से चला गया कि मुझे इसकी बहुत अच्छी कीमत मिल गई। उस बेवकूफ को पता ही नहीं था कि उसने कितनी कीमती चीज उस जोहरी को दे दी। जोहरी कुछ दूर आगे निकला गधे को लेकर के। जब वो व्यक्ति उसकी आंखों से ओझल हो गया तो उसने लाल उसके गले में से निकाला और गधे को लात मार करके जंगल में भगा दिया। लाल लेकर के वो जोहरी राजा के पास पहुंचा। राजा को दिखाकर कहने लगा, महाराज मेरे पास एक बहुत ही कीमती लाल है, मैं इसे आपको देना चाहता हूं और चाहता हूं कि आप मुझे इसकी कीमत दें। राजा ने लाल को देखा और वो समझ गए, जान गए ये कितनी कीमती चीज है, इसकी जो भी कीमत दी जाए वो कम है। कुछ देर उस लाल को उलट पलट कर देखने के बाद राजा ने जोहरी से कहा, 1 करोड़ लोगे? जोहरी की गर्दन नीचे हो गई। राजा समझ गया कि ये और अधिक कीमत चाहता है। अगली बार उन्होंने कीमत और बढ़ा करके बताई, परंतु जोहरी फिर भी गर्दन नीचे किए रहा। कई बार राजा ने कीमत बढ़ाई लेकिन परिणाम कुछ भी नहीं निकला, जोहरी ने कीमत नहीं बताई। राजा ने फिर उससे कहा कि ठीक है, तुम्हें कीमत समझ में नहीं आ रही है तो मैं तुम्हें आज शाम 5 बजे तक का समय देता हूं इसकी कीमत बताने के लिए, कि यदि शाम 5 बजे तक तुमने इसकी कीमत जो भी मुझे बता दी मैं तुम्हें वो ही कीमत दे दूंगा, लेकिन यदि उस टाइम तक भी तुमने कीमत नहीं बताई तो फिर मैं तुम्हें इसके उतने ही पैसे दूंगा जितने में तुमने इसे खरीदा है। जोहरी मान गया। राजा ने अपने मंत्री से कहा, इसे मेरे खजाने में ले जाओ और वहां जो भी चीज ये पसंद करे, जितनी भी मात्रा में लेना चाहे इसे दे दो, लेकिन याद रखना सिर्फ 5 बजे तक। मंत्री जोहरी को लेकर के राजा के खजाने में पहुंच गए और जैसे ही राजा के खजाने में पहुंचे वहां पहुंच करके जोहरी की आंखें तो चौंधिया गई। असंख्य मात्रा में सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, मोती वहां थे, मौजूद थे वहां पे। उन सबको देख करके उसके तो होश ही खराब हो गए, वो पगला सा गया। वो सोचने का लगा, ये ले लूं, वो ले लूं, क्या लूं, क्या नहीं लूं, और इसी तरह करते करते 5 बज गए। अभी वो कुछ कहना ही चाहता था, मंत्री ने कहा, टाइम अप। मंत्री जोहरी का हाथ पकड़ करके दरबार में लाया।
राजस्य कहने लगा, महाराज 5 बज गए लेकिन ये लाल की कीमत लगा ही नहीं पाया, आपके खजाने की चमक दमक में ये खो गया। राजा ने उससे डांट करके पूछा, बता ये लाल तुझे कहां से मिला था। जोहरी ने पूरी बात बता दी। पूरी बात सुनकर के राजा ने उस जोहरी को इस तरह से देखा जैसे उनके सामने दुनिया का कोई सबसे मूर्ख व्यक्ति खड़ा। उन्होंने कहा, बेवकूफ, वो साधारण व्यक्ति तो अनजान था, नहीं जानता था इस लाल की कीमत, लेकिन तू तो जोहरी है, तू तो जानता था इसकी कीमत, फिर भी उलझ गया मेरी माया के जाल में, मेरे खजाने को देखता रह गया। जा दया करके मैं तुझे वो तेरे 60,000 रुपए लौटाता हूं जो तूने इस लाल को लेने में खर्च किए। वैसे तू इन 60,000 रुपए को लेने के भी लायक नहीं है, लेने के भी काबिल नहीं है। तो प्यारी सासंगत, हम में से अधिकांश महात्मा यही तो गलती करते हैं कि जो ब्रह्मज्ञान रूपी अनमोल दांत सतगुरु ने कृपा करके हमें बख्शी है, हम इसकी कदर नहीं करते, क्योंकि हमें ये बड़े आसानी से मिल गई है। बस फॉर्मेलिटी पूरी कर दी कि 5 प्रण जो दिए वो हमने मान लिए। मानते नहीं हैं बल्कि केवल फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, सत्संग सेवा स्मरण निरंतर नहीं करते हैं। इसलिए ज्ञान रूपी अनमोल दांत हमारे मन हमारी आत्मा रूपी इस बर्तन में नहीं ठहर पाते, और जो देने की कोशिश जो देने की दया सतगुरु हम पर दिखाते हैं वो हम ग्रहण नहीं कर पाते, वो हमारे हिस्से में नहीं आते। इसलिए इस ज्ञान को संभालने के लिए सत्संग सेवा स्मरण और 5 प्रण ध्यान हमें रहने चाहिए, निरंतर हमें ध्यान रहने चाहिए, तभी हम इस ज्ञान का लाभ उठा सकते हैं और अपने इस जीवन को धन्य बना सकते हैं। तो आपको ये आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइएगा, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक करना मत भूलना, और हाँ यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दीजिएगा। इसी के साथ आप सभी को प्यार भरा नमस्कार और धन्यवाद।